दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है बबलू और आप इस वक्त देख रहे हैं आपका अपना पसंदीदा यूट्यूब चैनल जिसका नाम है बबलू की बगिया। दोस्तों आज मैं एक खास फूल के बारे में आपको जानकारी देने वाला हूं और वो फूल वही है जो अब भारत के पहले प्रधानमंत्री श्री जवाहरलाल नेहरू जी के कोट पे आप हमेशा ही लगे हुए देखते होंगे। जी हाँ दोस्तों, आज उसी फूल के बारे में मैं आपको जानकारी देने वाला हूँ कि उस फूल से कैसे आप अपने बगीचे में ज़्यादा से ज़्यादा फ्लावरिंग ले सकते हैं, क्या उसके केयर टिप्स है, कैसे हम इसको कीड़े से या फंगस से बचाएं, और यदि हम केमिकल युक्त खाद नहीं भी यूज़ करते हैं तो ये फूल कैसे बहुत बढ़िया आपके बागवानी में फ्लावरिंग देगा। इन्हीं सब केयर टिप्स के बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ, कैसे हम ज़्यादा से ज़्यादा अपने बागवानी में लगे हुए रोज़ प्लांट से फ्लावरिंग ले सकते हैं, कैसे उसको केयर कर सकते हैं, कितना पानी, कितना धूप, कितना छांव और कैसे फंगस से इसको बचा सकते हैं, और ये सब तरीका मैं आपको बताने वाला हूँ ऑर्गेनिक तरीके से। तो आइए मेरे साथ, मैं दिखाता हूँ आपको मेरे जो बागवानी में लगे हुए रोज़ प्लांट हैं उससे मैं कैसे ज़्यादा से ज़्यादा फ्लावरिंग लेता हूँ, कैसे उसको केयर करता हूँ। तो बगैर किसी देरी के दोस्तों चलिए शुरुआत करते हैं इस वीडियो की। और आप सभी को आज बसंत पंचमी का त्यौहार है, बसंत पंचमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। दोस्तों मेरे पास रोज़ की एक से ज़्यादा वैरायटी है, जिसमें आपको दिख रहा होगा ये देसी गुलाब है, ये सब हाइब्रिड वैरायटी है, ये भी हाइब्रिड वैरायटी है। और अभी आपने अभी भी रिपोर्ट नहीं किए हैं गुलाब के पौधे को तो अभी परफेक्ट समय है, आप अभी भी कर सकते हैं, लेट कुछ भी नहीं हुआ, पूरे फरवरी आप कर सकते हैं, लेकिन जितना जल्दी आप कर देंगे वो बेहतर रहेगा बेटर फ्लावरिंग के लिए। मैंने कुछ प्लांट ऐसे हैं जिसको रिपोर्ट कर दिया था, यहाँ पे यदि मैं दिखा सकूँ आपको तो अभी हाल ही में रिपोर्ट किया था और वहाँ से देखिए बर्ड्स और फ्लावरिंग सब होने लग गया है। रिसेंटली इसको मैंने रिपोर्ट किया था, इसमें भी ये हाइब्रिड वैरायटी है रोज़ प्लांट का, अब यदि दिखा सकूँ मैं आपको तो इसमें फ्लावरिंग आने लग गया है और बर्ड्स भी भर भर के आने लग गए हैं। ये सारे बर्ड्स ऐसे हैं जिसमें फूल ही फूल खिलेंगे कुछ दिनों में, 10 से 15 दिन में इन सब में फूल आने लग जाएंगे दोस्तों। तो आप यदि अभी तक रिपोर्ट नहीं किए हैं तो मैं आप सबसे यही कहना चाहूँगा कि अभी भी लेट नहीं हुआ, रिपोर्टिंग कर दें। रिपोर्टिंग करने से ये नए नए बर्ड्स, नए नए ब्रांचेस आने लग जाएंगे और उस पर फूल भी भर भर के आएंगे। यदि मैं दिखा सकूँ तो समय के अभाव में मैंने इस प्लांट को अभी तक रिपोर्ट नहीं किया है, उसका हाल देख लीजिए आप और उसका रिजल्ट भी देख लीजिए, कहीं बर्ड्स आपको नहीं दिखाई देगा, नई ब्रांचेस भी आपको कम या नहीं दिखाई देगा। इसलिए इस तरह का प्लांट यदि आपके पास भी है तो उसको जल्दी से जल्दी रिपोर्ट कर दें ताकि इसमें सीजन आने पे या फ्लावरिंग टाइम आने पे इसमें भर भर के फूल आने लग जाएंगे। यहाँ पे मैंने रोड पे अपने घर के बाहर नाली के ऊपर 3-4 पौधे रोज़ प्लांट के लगा रखे हैं। कुछ प्लांट ऐसे हैं जो मैंने अपने टेरिस पे भी लगा रखे हैं, मैं वो भी आपको दिखाऊंगा। और इन सबको यदि मैं खाद के बारे में बताऊं तो इनको मैंने कोई भी ऐसा केमिकल वाला खाद नहीं दिया है, खाद के तौर पे हमने किचन वेस्ट का ही इसमें इस्तेमाल किया है और वही किचन वेस्ट इतना बढ़िया रिजल्ट दे रहा है दोस्तों। तो आप भी किचन वेस्ट यानी कि सब्जियों के छिलके को यदि अपनी बागवानी में इस्तेमाल करें तो एक तो आप केमिकल युक्त खाद देने से बच जाएंगे, दूसरा फ्री के खाद से आपकी बागवानी में भी बाहर आ जाएगी दोस्तों। तो यदि आप एक बागवान हैं तो आपको किचन वेस्ट बिल्कुल फेंकना नहीं चाहिए बल्कि आपकी अपनी बागवानी में ऐसे ही इस्तेमाल करना चाहिए। ये कुछ ऐसे प्लांट थे जो घर के बाहर मैंने रोड पे लगा रखा है और अब मैं आपको दिखाऊंगा कि मैंने जो रोज़ प्लांट अपने टेरिस पे लगा रखा है उसका क्या हाल है। तो चलिए दोस्तों चलते हैं, अब देखते हैं उन प्लांट को जो मैंने छत पे लगा रखा है। दोस्तों अब मैं आपको लेके आ गया हूँ अपने दूसरी मंजिल पे, जहाँ पे मैंने देसी वैरायटी के गुलाब लगा रखे हैं। दो पौधे मेरे यहाँ गुलाब के लगे हुए हैं, ये दोनों ही पौधे एक पौधा से मैंने सेपरेट करके बनाया हुआ है और हाल ही में इसको मैंने रिपोर्ट किया है। मेरे पास गमले की कमी थी, इस वजह से मैंने जो चावल के कट्टे हैं उसको मैंने गमला का रूप दे के उसमें ये पौधा लगा रखे हैं और पौधा बहुत बढ़िया ग्रो कर रहा है। यदि मैं आपको नज़दीक से दिखा सकूँ तो ये देखिए कितने बर्ड्स और फ्लावर इसमें आने लग गए हैं। मेरे गमले के अभाव में मैंने इन कट्टों को गमला का आकार दिया है और इस्तेमाल किया है केवल किचन वेस्ट का। आप यदि देख पाएं तो इसमें आपको साफ साफ दिखेगा
किचन वेस्ट का इस्तेमाल किया है, जैसे चाय के पत्ती, बनाना पिल, उसके बाद ये प्याज के छिलके, ये सब मैं अब फेंकता नहीं हूँ, किचन वेस्ट में कुछ भी नहीं फेंकता हूँ, सब अपने बागवानी में इस्तेमाल करता हूँ और केमिकल युक्त कुछ भी नहीं डालता हूँ, और इसी के बदौलत ये पौधे इतना बढ़िया बूसी और हेल्दी है। दोस्तों आप देख सकते हैं कितना फ्लावर इसमें आ रखा है, बर्ड्स और फ्लावर से ये लगदग है ये प्लांट, आप देख सकते हैं। तो आप भी अपने किचन वेस्ट को फेंके नहीं, क्योंकि हो सकता है जिन जो बागवानी नहीं करते हैं उनके लिए ये किचन वेस्ट है, हमारे लिए ये खाद है और खाद का सबसे बड़ा स्रोत है। तो आप भी यदि इसको कंपोस्ट ना करें किचन वेस्ट को, तो डायरेक्ट, मैं तो ये कहता हूँ कि डायरेक्ट भी आप इसमें डाल सकते हैं, बल्कि मैं डायरेक्ट ही डालता हूँ ज़्यादातर, कंपोस्ट बनाने का इंतज़ार किए बिना मैं डायरेक्ट इसको मिट्टी में मिला देता हूँ, कुछ ही दिनों में पानी से ये कंपोस्ट हो जाता है। और बात करें पानी की, तो पानी भी मैं इसमें ज़रूरत के हिसाब से ही देता हूँ, भरता नहीं हूँ, यदि ऊपरी सतह तक नमी बरकरार होता है तो फिर पानी देने की मुझे ज़रूरत नहीं पड़ती है, ये मिट्टी उसका गवाह है कि मैं किस हिसाब से इसको पानी देता हूँ, ये आप देख सकते हैं। अब भी कोई भी प्लांट हो, ओवर वाटरिंग तो बिल्कुल ही नहीं करें, ओवर वाटरिंग में प्लांट बहुत ही जल्दी खराब हो जाते हैं, रूट्स उसके जो हैं गल जाते हैं, जिससे पौधा मरने तक की नौबत आ जाती है। तो ओवर वाटरिंग से बचें। ये जैसे ऊपर की सतह आप देख सकते हैं दोस्तों, टॉप लेयर यदि सॉइल की हल्की सी ड्राई हो जाए, अब पानी इसमें डाल दें, लेकिन बहुत ज़्यादा पानी का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करें। हमें प्लांट को यदि हेल्दी रखना है, ज़्यादा फ्लावरिंग लेना है, तो इसको हम हिसाब से ही एज पर रिक्वायरमेंट ही पानी डालेंगे, और यदि ज़रूरत पड़े तो आप एक से अनेक पौधा ज़रूर बनाएं इनका। मैंने ये दोनों जॉइंट था जिसको अलग अलग डिवाइड किया है, लेकिन आप यदि चाहें तो इसको कट करके इसकी कटिंग भी, पेंसिल साइज की कटिंग यदि आप मिट्टी में लगा दें, आसानी से ये ग्रो हो जाता है और एक पौधा से अनेक पौधा आप आसानी से बना सकते हैं। मैंने भी वही किया है और ये बहुत ही बढ़िया फूल है, देसी गुलाब है, बहुत हार्डी प्लांट होता है, इजली ये मरता नहीं है, यदि आपने इसको केयर किए तो सालों साल ये आपके बागवानी में बना रहेगा। आप देख सकते हैं ऑफ सीजन में मैंने इसको यहाँ से कट कर दिया था, और यहाँ से कट करने की वजह से इसमें इतने सारे नए नए ब्रांचेस आने लग गए, बर्ड्स बन के आने लग गए, और फ्लावर तो आप देख ही सकते हैं दोस्तों। मेरे पास कुछ और भी गुलाब के प्लांट हैं जो चौथी मंजिल पे, यानी कि टेरेस के सबसे ऊपरी हिस्सा पे रखा हुआ है, मैं वो भी आपको दिखाऊंगा। यहाँ पे मैंने ये एक से दो प्लांट बनाए हुए पौधे को ही जगह दिया है दोस्तों। तो चलिए अब देखते हैं छत के ऊपर मैंने कौन कौन से रोज प्लांट लगा रखे हैं, उसमें कैसे फ्लावरिंग हो रहा है, कैसे उसमें ग्रोथ आ रहा है, ये सब दिखाऊंगा, और कैसे उसकी केयर मैंने किया है, ताकि आप भी अपने गार्डनिंग में यदि रोज प्लांट लगा रखे हैं तो उसको इसी हिसाब से केयर करके ज़्यादा से ज़्यादा फूल आप ऑर्गेनिक तरीके से ले सकें। तो आइए दोस्तों चलते हैं अब सबसे टॉप वाली टेरिस पे, जहाँ पे और भी कुछ रोज प्लांट मैंने लगा रखा है। दोस्तों सबसे ऊपर जो मैंने लगा रखा है रोज प्लांट वो ये है, इसमें देखिए एक फूल आने लग गया है, ये बहुत बड़े साइज में फूल आता है, और दूसरा बर्ड्स इस पे बने हुए हैं। ये सब इसलिए बना है क्योंकि यहाँ से मैंने फ्लावरिंग, ये आपको यदि दिखा सकूँ तो लास्ट फ्लावरिंग मैंने यहाँ से लिया था, उसको मैंने कट कर दिया, जहाँ से कट कर दिए उसी के पास से ये ब्रांच निकला है और ये फ्लावर उसमें आ रखा है। आप जब भी कटिंग करें तो ध्यान रखें कि नोड एरिया के पास से कटिंग करें, यानी कि जॉइंट जो होता है वहाँ से कटिंग करें। वो और यहाँ से मैंने कट कर रखा है, वहीं से ये ब्रांच निकला है और ये फ्लावरिंग वहीं से हो रहा है। आप जब भी कट करें दोस्तों तो यहाँ बीच से ना करके इस नोड एरिया यानी कि जॉइंट के पास से कट करें, ताकि यहीं से नया ब्रांच निकल के आएगा और वो फ्लावरिंग देगा। ये अभी शुरुआती दौर है, बहुत बड़ा फ्लावर होता है ये, और एक से दो दिन में ये पूरा खिल जाएगा, तब इसका साइज इतना बड़ा सा हो जाएगा। और ये भी प्लांट मैंने खरीदा हुआ नहीं है, मैंने इसको कहीं से कटिंग लाके लगाया है। तो गुलाब की कटिंग इजीली ग्रो हो जाता है, आप कोई सा भी गुलाब की कटिंग लाएं और उसको यदि मिट्टी में लगा दें तो
2 से 3 महीने में वो ग्रो करने लग जाता है और 6 महीने के अंतराल पे फ्लावरिंग आने लग जाता है। दोस्तों मैंने इसमें भी कोई खास केयर नहीं किया हुआ है, जैसे कि आप देख सकते हैं, ये देखिए मैंने इसको केवल रिपोर्ट किया था आज से 2-3 महीने पहले, और उसी रिपोर्ट का नतीजा है कि इसमें इतना बढ़िया ये बूसी प्लांट हो गया है। और खाद के तौर पे इस पर भी मैंने कुछ भी नहीं दिया है सिवाय लिक्विड फर्टिलाइजर और किचन वेस्ट से। यहाँ पे यदि मैं आपको दिखा सकूँ तो ये मैं लिक्विड फर्टिलाइजर जो किचन वेस्ट से बनाता हूँ वो आपके सामने है। यही लिक्विड फर्टिलाइजर को मैं नॉर्मल वाटर में मिला कर देता रहता हूँ, 30% ये लिक्विड फर्टिलाइजर और 70% मैं नॉर्मल वाटर मिलाता हूँ और उसी को बीच बीच में देता रहता हूँ। क्योंकि यदि मैं दिखाऊं तो ये देखिए टॉप लेयर तक इसमें मिट्टी भरा हुआ है और इसको मैं अब ज़्यादा सॉलिड खाद नहीं दे पाऊंगा, इसी वजह से मैंने इसमें केवल लिक्विड फर्टिलाइजर का ही इस्तेमाल किया है। लिक्विड फर्टिलाइजर दोस्तों कुछ करने के बनाने के लिए बहुत ही आसान है। किचन वेस्ट को पानी में डालिए, 5-6 दिनों के अंतराल पे वो गलने लग जाएगा और उसी से जो फर्टिलाइजर तैयार होगा वो फर्टिलाइजर आप जिस गमले में मिट्टी ऊपर तक भरा हुआ है उसको आप सॉलिड नहीं दे पाएंगे, तो ये फर्टिलाइजर का इस्तेमाल करके उस पौधे को आप घना भूसी और फ्लावरिंग के लिए तैयार कर सकते हैं। लिक्विड फर्टिलाइजर सीधे बना के जैसे ही तैयार होता है तुरंत हम इसको गमले में डाल देते हैं, स्टोर करना ही नहीं पड़ता, और फिर उसमें हम जैसे ये ख़त्म होता है फिर उसमें किचन वेस्ट डाल देते हैं, उसमें वो लिक्विड फर्टिलाइजर तैयार होने लगता है, फिर हम उसको दोबारा इस्तेमाल कर सकते हैं। ये लिक्विड फर्टिलाइजर दोस्तों किसी भी प्लांट के लिए अमृत समान होता है, तो आप हर एक प्लांट में इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने भी हर एक प्लांट में लिक्विड फर्टिलाइजर के तौर पर केवल किचन वेस्ट लिक्विड फर्टिलाइजर का ही इस्तेमाल किया है। दोस्तों लिक्विड फर्टिलाइजर को यदि मैं आपको दिखाऊं तो ये देखिए ये सारे किचन वेस्ट से बने हुए हैं, ये धीरे धीरे घुल के या गल के फर्टिलाइजर का रूप ले लेता है, फिर बाद में इसको हम छान के फेंक देते हैं और ये जो लिक्विड पानी जैसा आपको दिख रहा है इसका हम इस्तेमाल अपनी बागवानी में करते हैं। आप भी ऐसा ही करें, इसमें स्मेल थोड़ा बहुत जरूर आता है इसलिए हमने इसको अलग से टेरिस पे ला के रखा हुआ है, और एक सप्ताह में तैयार होने वाला ये लिक्विड फर्टिलाइजर बहुत ही बढ़िया होता है हर एक प्लांट के लिए, चाहे आप बात करें फ्रूटिंग प्लांट या फ्लावरिंग प्लांट। मैंने भी अपने गुलाब के पौधों में इसी लिक्विड फर्टिलाइजर का ज़्यादातर इस्तेमाल किया है क्योंकि ये इजली और जल्दी तैयार होने वाला फर्टिलाइजर है, जबकि सॉलिड खाद बनाने में थोड़ा टाइम लग जाता है। आप भी यदि ऐसे इस्तेमाल करेंगे अपने लिक्विड फर्टिलाइजर को तो मुझे उम्मीद है आपके प्लांट्स भी ऐसे ही बढ़िया फ्लावरिंग देगा, फ्रूटिंग देगा। दोस्तों ये था मेरे अपने गार्डन से गुलाब के प्लांट को कैसे केयर करें, कैसे हम उसको रिपोर्ट करें, कैसे ज़्यादा से ज़्यादा फ्लावरिंग लें, यही एक छोटा सा जानकारी जिस हिसाब से मैंने अपने प्लांट को केयर किया है ये एक्सपीरियंस मैंने आप लोगों से शेयर किया है। उम्मीद है यदि आप इस तरह से अपने पौधों को भी केयर करेंगे तो बढ़िया फ्लावरिंग लेते रहेंगे और डिवाइड करके एक से कई सारे प्लांट बना सकेंगे। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और यदि आप इस चैनल पे नए हैं तो आप लोगों से निवेदन है कि मेरे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि इस तरह का वीडियो मैं जब भी बनाऊँ आप तक पहुंच जाए, और जाते जाते बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें दोस्तों, क्योंकि उसी से नोटिफिकेशन आप तक वीडियो अपलोड होते ही पहुँच जाएगा। इसी के साथ दोस्तों इस ब्लॉग को मैं यहीं ख़त्म करता हूँ, मिलता हूँ कहीं और किसी और टॉपिक पे, तब तक के लिए मुझे दीजिए विदा। धन्यवाद दोस्तों इस ब्लॉग को अभी तक देखते रहने के लिए।